तो आज संडे था, तो संडे में हमारा प्लान बन गया कि हम सुचेतगढ़ बॉर्डर चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई वहाँ एक बारी होके आना, तो हम लोग अभी अंदर घुस रहे हैं। तो देखो भाई, उस साइड जो हम जिस साइड जा रहे हैं ना, वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर आता है, तो हम यहाँ से जाते हैं अपने इंडिया बॉर्डर से, वहाँ से पार जाएंगे। और पहली बार मैंने कोई बॉर्डर देखा है, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। वो देख रहे हो सामने पाकिस्तान है और इस साइड हम इंडिया। और आपको पता है, यहाँ आधा पेड़ एक पाकिस्तान में और आधा पेड़ यहाँ इंडिया में भी। आपको दिखाता हूँ, वो साइड में एक पेड़ है और मस्त रहो, देख रहे हो पाकिस्तान वो कितना सही है। देखो ये पेड़ मैं बोल रहा था, आधा पाकिस्तान और आधा इंडिया में है ये पेड़। ये पाकिस्तान ने भी अपना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, ये सामने पाकिस्तान देख रहे हो ना। और अभी वहाँ परेड भी होगी, वो मैं आपको परेड भी दिखाऊंगा। अभी इस साइड हम जाते हैं वापस, अब हम परेड भी देखेंगे। और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और जम्मू से दूर दूर से लोग आ रहे हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर देखने के लिए। क्योंकि मैं तो अभी तक अमृतसर नहीं गया वहाँ बॉर्डर देखने, तो जिन्होंने अभी तक अमृतसर नहीं गया वो यहाँ जाकर जम्मू में है, तो आप सुचेतगढ़ बॉर्डर आ सकते हैं, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तीन वस्त्र का नहीं है ध्वज, ये तीन वस्त्र का नहीं है ध्वज, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का अरमान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। परेड कमांडर और परेड प्राइसी परेड की जोरदार तालियों से
इनके हौसले पे सलाम करें। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और संकट देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें चमकाए आवाज में अपनी चमक रखता हूँ। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान को सम्मान का है। ध्वज रक्षक टोली की मुख्य भूमिका शाम को समय झंडे को संपूर्ण सम्मान देते हुए उतारने की होती है। मैडम जी एक मिनट। तो तुम जितने भी बंदे हैं ना, ये जितने बंदे, इनके दर्द होती है दांत में, और कुछ लोगों को होती है। चलो छोड़ो परे यार, क्या मजाक करना है, छोड़ो परे। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? तो मेरा नंबर नोट कर लो। तू नंबर क्यों नोट करना, लोगों ने घर आना है। होलसेल रेट है सूटों के। अच्छा, सूट आपको बड़े सस्ते मिलेंगे, जम्मू फैशनर चैनल। खाली सूट ही देते हो, कुछ और भी देते हो? सर हर चीज का ज्ञान देते हैं। 7006501383 ये नंबर लिखा भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो भाई साहब, लाइट का काम शुरू हो चुका है, अब देखते हैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी होगा। देखो आप देख ही रहे हो, टाइल का पूरा काम कंप्लीट हो गया है और टाइल वाले अंकल चले गए हैं। बराबर
अभी जला था वैसे, अब जल गया या नहीं, बंद हो गया। देखो सोफा फाड़ रहा है, देख रहे हो आप, इसने सोफे पे टॉयलेट भी करना है और सोफे को फाड़ना भी, और एक धागा खा रहा है। ओए न मत कर शरारती, मत कर, मत कर, सुनो, सुनता ही नहीं है, डायरेक्ट सोफे पे जाके बैठ जाता है और एक सोफे का पूरा धागा निकाल लिया। ले ले उससे, पकड़ पकड़। तो देखो अभी भी बिजली का काम चल रहा है, दिल्ली अंकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनको चार फोन करो, ये पांचवें फोन पे आते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी, तो मैं 10 फोन भी कर देता हूँ, मगर ये 9वां या 8वां फोन उठाते हैं, बोलते हैं मैं 10 मिनट में आया, मगर आते 2 घंटे बाद हैं। तो देखो लाइटें ऑन हो चुकी हैं, केक खाते हुए जा रहे हैं भाई, बैठ के खा लेना था। अरे यार तो कोई शर्म है नहीं, केक खाते 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 और